उत्तर प्रदेश के लोग इस वक्त भारी बाढ़ से पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के 600 से भी ज़्यादा गांवों में इस वक्त भारी बाढ़ आई हुई है। जिन शहरों में इस वक्त बाढ़ का सबसे ज़्यादा प्रकोप है उनका नाम है बांदा, इटावा, जलाऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, चंदौली, हाजीपुर, यहाँ तक कि प्रयागराज, फर्रुखाबाद, आगरा, बलिया, मिर्जापुर, गोरखपुर भी इस वक्त बाढ़ की भारी चपेट में हैं। हमीरपुर के सबसे ज़्यादा 75 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अलावा बांदा के 71 और इटावा और जलाऊ के 67 गांव इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश की वजह से स्थिति और भी नाजुक बन गई है। गंगा, यमुना, शारदा नदी, बेतवा नदी, ये सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर प्रशासन की माने तो करीब 850 राहत शिविर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 5,500 से ज़्यादा परिवारों को अब तक पहुंचा दिया गया है। NDRF और SDRF की अलग अलग टुकड़ियां काम कर रही हैं। इस वक्त करीब 5.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उत्तर प्रदेश में। और अपडेट्स के लिए मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँगा, मेरे चैनल के साथ बने रहें।